स्वदेश वाणी। पलामू के लाल सूरज दुबे की जो पालघर में निर्मम हत्या हुई है, उसी को देखते हुए आज उनका शरीर कोयल नदी के तट पर आज पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन दिया जा रहा है, जिसमें कोयम्बटूर से जो भी अधिकारी नौसेना का अधिकारी हैं या कई अधिकारी रांची से विक्टिम आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह अधिकारी से उनके परिजन जो है अभी बातचीत कर ही रहे हैं कि आखिर हमारे बेटे को किसने मारा, आखिर हमको न्याय कब तक मिलेगा। और हम आपको बताते हैं कि जो सूरज दुबे के जो जब से लापता होने की सूचना मिली है, तब से उनके मेरे फिर जो है मनोज तिवारी जी भाई हैं, उनके हमेशा लगातार के लिए खोजने के लिए हमेशा निकले हैं। आप बताइए कि कैसे कैसे आप लोगों को सूचना मिली कि मतलब कहाँ पे है, कैसे कैसे बताइए जरा। उसका यहाँ से 30 तारीख के जब फोन बंद हुआ था तो यहाँ से लगातार फोन जाते रहा, कुछ पता नहीं चला। इसके बाद कई तारीख के उसको उसका पता नहीं हुआ था। पाँच मार्च को फ्राइडे के दिन जो है फोन आया था कि यहाँ पर मतलब पालघर पुलिस स्टेशन में है। अब वो कैसे गया नहीं गया, जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाके उनका पैतृक आवास जो पुरुभिया पंचायत के कुल्हुआ में उनका अवस्थित है, उनके घर परिवार का पूरा रोरो का पूरा बुरा हाल था कि आखिर हमारे बेटे को अंतिम दर्शन कराया जाए, लेकिन कमांडेंट का ये निर्देश था कि जब तक हम लोग आएंगे तब तक ताबूत को नहीं खोला जाएगा। तब जब तो अधिकारी आए तो उसको ताबूत को खोला गया और उसके अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर को यहाँ विदाई देने के लिए सबसे पहले यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उसकी विदाई दी गई। और इसी क्रम में उनके जो भाई हैं राजीव कुमार जी, आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या आखिर उनके साथ है, किस पर आप संबंध बता रहे हैं। चेन्नई से जब मेरा भाई लापता हुआ, ये ऐसा पता चला हम लोग को जो 30 तारीख को हैदराबाद पहुंच चुका था और यहाँ कॉल किया था 30 तारीख को ही कि अब चेन्नई का ट्रेन पकड़ेंगे। रात हो गई थी जिसके कारण हम लोग कोई कॉल नहीं कर पाए थे, उधर से भी कोई कॉल नहीं आया था। 31 तारीख को सारे दिन मोबाइल ऑफ रहा। मैं वहाँ उनके यूनिट INS अग्रणी में जब कॉल किया तो उनके CO जो है अशोक राय, उन्होंने कहा कि उनका 1 तारीख को 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, वो आ जाएंगे, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। जब वो 8 बजे 1 तारीख को नहीं पहुंचा तो हम लोग थाने गए, सारा चीज गुमशुदगी का रिपोर्ट किए। जब SP सर के पास गए, SP सर से चेन्नई पुलिस को दिया गया सारा चीज रिक्वेस्ट। जब SP सर ने IT सेल से उनके सिम का पूरा जायजा लिया तो पता चला कि INS अग्रणी में ही धर्मेंद्र नाम का लड़का जो है वो एक कॉल या हमेशा किया है और मैसेज के थ्रू भी बात हुआ है। जब 2-3 दिन जो है वो अशोक राय अच्छे से बात किए लगभग 2 तारीख तक, लेकिन 3 तारीख को जब मेरे चाचा यानी सूरज दुबे के पिताजी जब सुबह में 7 बजे अशोक राय से इस बात को कहा, IT सेल के द्वारा जब देखा गया उनका रिपोर्ट की धर्मेंद्र कुमार से ही ज्यादातर बात हुई है मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू, तब वो बोले कि सर एक आपके IT सेल में जो अग्रणी में ही उसके यूनिट में उसका धर्मेंद्र नाम का लड़का है, उस पर हमारा शक जा रहा है। जैसे ही इस बात को बोलते हैं मेरे चाचा जी पर वो उधर से गर्म हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लड़का भगोड़ा है, तुम उनको भगा के रख रहे हो, तुमको पता है कि वो कहाँ है, अगर 4 दिन के अंदर नहीं आता है तो उसको भगोड़ा साबित कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये चेन्नई पुलिस का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर एक बात बताया जाए कि जो चेन्नई में अगवा किया जाएगा वो पालघाट 1700 किलोमीटर दूर जाकर और उसको जलाया नहीं जाएगा। इसमें हमको जैसा लगता है कि ये INS अग्रणी के जो कमांडिंग ऑफिसर अशोक राय और उसके यूनिट सेल के जो लीडिंग सीमैन के पद पर जो धर्मेंद्र था, ये दोनों का हाथ है। अशोक राय ने धर्मेंद्र से सारे उसका जो है वो हमेशा का ट्रेस लेते रहा कि हाँ सूरज कहाँ पहुँचा और कहाँ से उनको अगवा कराया जाए। हमको लगता है कि अशोक राय ने बहुत बड़ा घपलाबाजी हमारे भारत देश माता भारत माता के लिए किया था। जो रडार पर ड्यूटी करते हमारा सूरज भाई उस चीज को जान गया था, इसके चलते अशोक राय ने इस तरह के काम करवाया है। आपकी क्या मांग है? मेरा मांग है कि CBI जांच हो, क्योंकि अगर पुलिस वाला सर अगर 1700 किलोमीटर दूर ले जाकर मेरे भाई को जलाया जा सकता है तो पालघर पुलिस को भी करोड़ों रुपया में खरीदा जा सकता है और हमारे भाई के जो स्टेटमेंट है उसको बदला जा सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि ये CBI जांच कराए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
क्योंकि नेवी जांच करेगी तो नेवी खुद की है तो वो क्या जांच करेगी, वो तो लिपापोती ही कर देगी और ये थाना भी खरीदा सकते हैं करोड़ों रुपया में। इसलिए सीबीआई का जांच होना बहुत ही जरूरी है। सूरज दुबे के भाई जो राजीव रंजन जी हैं उनका कहना है कि हमारे भाई के जो हत्या है उसमें उसी के यूनिट का धर्मेंद्र और इसी कमांडेंट अफसर का ही हाथ है। और आपको बता दें कि जब हवाई अड्डा उतरा था तो 1700 किलोमीटर आखिर कैसे गया, ये भी सवाल उठता है। और इनका कहना है कि हमारे भाई को जिस तरह के जो घटना घटी है इस पर सीबीआई जांच हो। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह लोगों का जो हुजूम जो लगा हुआ है, यहाँ कोयल नदी के तट पर अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आप स्वदेश वाणी को देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब करें।